नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हो बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया है। इसमें बीबीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 154 निकल के आया है। सैलरी 56,100 पर मंथ आपको मिल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हो तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मैं इस वीडियो में डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि इसके एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर क्या होने वाला है। तो हर एक चीज एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ और उसके बाद वेबसाइट में जाके दिखाऊंगा कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट चलते डिटेल्स नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया है। फॉर्म फिलअप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 1 सितंबर 2021 से। फॉर्म फिलअप करने के लिए लास्ट डेट रखा गया है 21 सितंबर 2021 तक और फीस पेमेंट करने के लिए लास्ट डेट रखा गया है 21 सितंबर 2021। इसमें फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं बट उन लोगों के लिए फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट 21 सितंबर 2021 से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग फॉर्म फिलअप करने के लिए जाओगे उस टाइम आपका जो फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट डिक्लेरेशन डेट है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं डिटेल्स पोस्ट की। तो फर्स्ट है ग्रामीण निर्माण विभाग यानी कि रूरल वर्क्स डेवलपमेंट, जिसमें सिविल वालों के लिए टोटल 24 वैकेंसी है और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टोटल 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट है सिंचाई विभाग यानी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट, जिसमें सिविल वालों के लिए टोटल 46 वैकेंसी है और मैकेनिकल वालों के लिए टोटल 10 वैकेंसी है। नेक्स्ट है लघु सिंचाई विभाग यानी कि माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट, जिसमें कृषि यानी कि एग्रीकल्चर वालों के लिए 6 वैकेंसी है, उसके अलावा सिविल वालों के लिए टोटल 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट है वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें सिविल वालों के लिए 21 वैकेंसी निकल के आया है। नेक्स्ट है ऊर्जा विभाग यानी कि एनर्जी डिपार्टमेंट, जिनमें से इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 2 वैकेंसी निकल के आया है। नेक्स्ट है लोक निर्माण विभाग, जिसमें सिविल वालों के लिए टोटल 42 वैकेंसी निकल के आया है। टोटल 154 वैकेंसी को हर एक कैटेगरी पे डिवाइड किया हुआ है। जैसे जनरल वालों के लिए 84 वैकेंसी है, एससी वालों के लिए 32 वैकेंसी है, एसटी वालों के लिए 17 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 14 वैकेंसी है, उसके अलावा फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए 7 वैकेंसी है। नेक्स्ट इसमें उत्तराखंड रिजर्वेशन के लिए कुछ डिटेल्स इस टेबल में मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग आपके हिसाब से वो डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें गेजेटेड एज वेल एज नॉन गेजेटेड दोनों पोस्ट के लिए ये लोग रिक्रूटमेंट करवा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका सैलरी की। तो सैलरी यहाँ पे लेवल 10 के हिसाब से यानी कि 56,100 से लेके 1,77,500 पर मंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में एसेंशियल एडुकेशनल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दोनों ही मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट है ग्रामीण निर्वाह विभाग यानी कि रूरल वर्क्स डेवलपमेंट, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में अगर आप लोग मैकेनिकल या तो इलेक्ट्रिकल में से बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंचाई विभाग में से अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल वालों के लिए, जिसमें अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है लघु सिंचाई विभाग यानी कि माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट, जिसमें अगर आप लोग एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में से बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से बीबीटेक करके रखे हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है वाटर एंड सैनिटरी डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है ऊर्जा विभाग यानी कि एनर्जी डिपार्टमेंट, जिसमें अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है लोक निर्माण विभाग, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से बीबीटेक करके रखते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट आपका लिखित परीक्षा यानी कि आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहेगा जो इसमें मेंशन किया हुआ है, और अगर आप लोग रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसका आयु सीमा यानी कि एज लिमिट की, जिसमें इसका एज लिमिट 21 ईयर्स से लेके 42 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग एससी एसटी कैंडिडेट हो या तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो या तो ओबीसी कैंडिडेट हो, उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप लोग इसमें दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो उन लोगों को जनरल कंसीडर किया जाएगा, कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी में उन लोगों को कंसीडर नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फीस की। तो अगर आप लोग दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो उन लोग के लिए एप्लीकेशन फीस 276 रुपीज 55 पैसे रखा गया है। इसके अलावा अगर आप लोग उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो उस केस में जनरल वालों के लिए 276 रुपीज 55 पैसे रखा गया है। उसके अलावा एससी एसटी वालों के लिए 126.55 पैसे रखा गया है। उसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए 26 रुपीज 55 पैसे रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन सेंटर की। तो एग्जामिनेशन सेंटर उत्तराखंड स्टेट पे रहने वाली है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे होगा उसका डिटेल्स इस टेबल में मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग आपकी सबसे डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसका रिटर्न एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो टोटल रिटर्न एग्जामिनेशन को दो पेपर में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट होगा आपका पेपर वन, जिनमें जनरल हिंदी के लिए 100 क्वेश्चंस रहेगी। हर एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स कंसीडर किया गया है, तो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। नेक्स्ट है आपका जनरल इंग्लिश, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेगी और हर एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स कंसीडर किया गया है, यानी कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। नेक्स्ट होगा आपका जनरल नॉलेज, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेगी, हर एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स कंसीडर किया गया है, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है, यानी कि पेपर वन पे आपका टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होगा एंड टोटल 6 आवर्स का आपका एग्जाम होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका टेक्निकल पार्ट की। तो टेक्निकल पार्ट में आप जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उनके रिलेटेड जो डिसिप्लिन है उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन से आपका क्वेश्चंस रहने वाली है। जैसे कि सिविल वालों के लिए सिविल से, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल से, उसके अलावा एग्रीकल्चरल वालों के लिए एग्रीकल्चरल से, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल में से क्वेश्चंस रहने वाली है। तो बात करते हैं सिविल की। तो टोटल पेपर टू को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट होगा आपका पार्ट वन, देन होगा आपका पार्ट टू। पार्ट वन में आपका 180 क्वेश्चंस रहने वाली है, जिसका हर एक क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स कंसीडर किया गया है, यानी कि 360 मार्क्स का एग्जाम होगा, 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। सिमिलरली पेपर टू होगा, पेपर टू के लिए 180 क्वेश्चंस रहने वाली है, जिसमें हर एक क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क्स अलॉट किया गया है, तो 360 मार्क्स का एग्जाम होगा, 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। सिमिलरली हर एक डिपार्टमेंट के लिए सेम एग्जामिनेशन पैटर्न कंसीडर किया गया है। टोटल पेपर टू में आपका 720 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो टोटल आपका रिटन एग्जामिनेशन 1020 मार्क्स का होने वाली है, और उसके अलावा आपका इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, टोटल एग्जामिनेशन 1120 मार्क्स का होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका सिलेबस की। तो फर्स्ट है जनरल हिंदी, जिनमें से आपका हाई स्कूल में हिंदी का जो लेवल होती है उसके हिसाब से आपका क्वेश्चंस रहने वाली है। जो लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उसका जो सिलेबस है और इसका जो सिलेबस सेम रखा गया है। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश के लिए, जिसका सिलेबस थोड़ा नीचे में मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज के लिए, जिसमें आपका इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहने वाली है, उसके अलावा इंडियन पॉलिटी है, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आने वाली है, और उसके साथ साथ आपका जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी यहाँ पे रहने वाली है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि जनरल इंग्लिश का सिलेबस इसमें मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग अपनी सबसे डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा हर एक टेक्निकल पार्ट के लिए इसमें सिलेबस मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग अपनी सबसे डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। तो ये है इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स। इसके बाद में वेबसाइट में जाता हूँ और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। इसी वेबसाइट पे आपको आने के बाद फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें लास्ट जो ऑप्शन लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे पे आना है और अप्लाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आपका नेम, देन फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और कितना एज है वो आपको इस यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके अलावा आपका जो रिलीजियन, जेंडर और मेरिटल स्टेटस है वो आपको मेंशन करनी है, और उसके अलावा आपका नेशनलिटी यहाँ पे मेंशन करना है, और उसके अलावा अगर आप लोग उत्तराखंड स्टेट का डोमिसाइल हो तो यहाँ पे वो मेंशन करनी है। उसके अलावा आपका कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, और उसके साथ साथ आपका जो ईमेल आईडी और फोन नंबर है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, और उसके अलावा आपका जो परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके साथ आपको एक पासवर्ड सिलेक्ट करना है, और उसके बाद सिक्योरिटी कोड डाल के आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आपको लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो ईमेल आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड है वो आपको पुट करके लॉगिन करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका हर एक डिटेल्स अच्छे से फिलअप कर लेना है। तो ये है नोटिफिकेशन का डिटेल्स और वीडियो का डिटेल्स। मैं नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि मैं हर एक दिन ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन लेके आता रहता हूँ।
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और जितना हो सके शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। अगर आप लोग मेरा वीडियो लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए और लेके आने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।